बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं वतन न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान सोहेल अकबर शिराज़ी न्यूज़ पॉइंट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस प्रोग्राम में हम सियासी, समाजी, माशरती हालात पर, ख़बरों पर तबसरा करते हैं और आपकी खिदमत में नज़रियात पहुँचाते हैं। मुख्तलिफ़ शख्सियात के नज़रियात, मुख्तलिफ़ हस्तियों के, मुख्तलिफ़ सियासी समाजी कारकुनों के, रहनुमाओं के, लीडरों के, आज इस रवां हफ्ते में जो चंद अहम चीज़ें मुल्क में रूनुमा हो रही हैं, उनमें से एक ये है कि माह मुबारक रमज़ान में हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की शहादत दरपेश है। 21 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की शहादत का दिन है और ये 2-3 दिन अहले तशी बरादरान जुलूस व मजालिस अज़ा का इनेकाद करते हैं। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हुकूमत ने उन्हें इजाज़त न देने का कहा है, लेकिन मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब ने 1-2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने अपना वाज़े मौक़िफ़ बयान किया है कि हमने डॉक्टर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब से हमने बातचीत की है और हमारा 20 नुकाती जो एजेंडा है हुकूमत का, उसको फॉलो करते हुए, उस पर पाबंदी करते हुए हम मजालिस अज़ा और जुलूस अज़ा को बरामद करेंगे। और उन्होंने वाज़े अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम डिस्टेंस को भी, सोशल डिस्टेंस को भी मलहूज़ नज़र रखेंगे और हुकूमत की तरफ से जो जो भी लॉकडाउन में इस्तेमाल के बारे में पॉलिसियां हैं, हम उनकी पाबंदी करेंगे। लेकिन क्योंकि इस माह मुबारक रमज़ान में हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की शहादत और इसी माह मुबारक रमज़ान में मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए पूरी दुनिया में जुलूस व महाफिल व प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता है, अल्लामा राजा नासिर साहब ने वाज़े तौर पे हुकूमत को बता दिया है कि हम हर सूरत में मजालिस अज़ा बरकरार करेंगे, मुनाकिद करेंगे, जुलूस अज़ा बरामद करेंगे। हाँ, अलबत्ते हम हुकूमत की तरफ से जो आयद करदा प्रोग्राम्स हैं, जो SOPs हैं, हम उस पर ज़रूर पाबंदी करेंगे। इस तरह नहीं है कि हम अपने ये जो इबादती हमारे अयाम हैं, हम इनको छोड़ दें कोरोना या किसी और वजह से। उन्होंने बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वजाहत की है और उन्होंने कहा है कि मज़लूम फ़लस्तीनियों की भी हम हिमायत करना नहीं छोड़ सकते। जिस तरह पूरी दुनिया में मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत के सिलसिले में माह मुबारक रमज़ान में प्रोग्राम्स मुनक्किद होते हैं, महाफिल मुनक्किद होती हैं, जुलूस निकलते हैं, इसी तरह तरीके से हम अपने सालहाए गुज़श्ता की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी फ़ालियत रही है, हम उसको फॉलो करेंगे। अलबत्ता उन चीज़ों को भी हम फॉलो करेंगे जो हुकूमत की तरफ से डिस्टेंस है, जैसे सोशल डिस्टेंस को हम बरकरार रखेंगे, 2-4 फुट के फासले पे हम बिठाएंगे लोगों को और जुलूस भी इसी तरीके से हम बरामद करेंगे। इसी सिलसिले में हम मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मरकज़ी तर्जमान अल्लामा मकसूद अली डोंकी साहब से राबता करते हैं और उनके नज़रियात को जानते हैं। आइए चलते हैं अल्लामा डोंकी साहब के पास और उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहे मुबारक रमज़ान के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर अय्याम शहादत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से मजालिस अज़ा का सिलसिला होता है, जुलूसाए अज़ा बरामद होते हैं। इस सिलसिले में जो सदर ममलिकत के साथ मीटिंग हुई उलमाए किराम की, जिसमें मजलिस इबादत मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब शरीक थे, उसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ भी इन्हीं दिनों एक मीटिंग हुई, जिसमें मौजूदा सूरत हाल और कोरोना वायरस से इसके तनाजुर में कुछ नुकात तय पाए और वो 20 नुकाती एलामिया की सूरत में आवाम के सामने, मीडिया के सामने उसको मुश्तहर किया गया।
हम इस 20 नुकाती प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। ये जो एहतियाती तदाबीर हैं, हम समझते हैं कि इनको मद्देनजर रखना तमाम ज़रूरी है, ताकि हम वायरस को फैलने से रोक सकें, ताकि आवाम के अंदर जो है वो नुकसान न हो, कम से कम नुकसान हो। लेकिन उसके साथ साथ जो इबादात हैं, जो उसके हवाले से भी लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी फ़राइज़ अदा कर सकें, चाहे वो माहे मुबारक रमज़ान हो, या साल भर में जो नमाज जुमा है, या नमाज जमात है, या इसी तरह से मजालिस अज़ा हैं, या इसी तरह से बिरादरान अहले सुन्नत के लिए तरावी है। तो उनके हवाले से जो गवर्नमेंट ने और जो डॉक्टर्स ने निशानदेही की है, उन एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए हम इस पे अमल दरामद के हक में हैं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का ये मौकिफ है, जिसको अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बयान किया, वो ये है कि हम इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए अय्याम अज़ा मनाना चाहते हैं, मजालिस अज़ा और जुलूसाए अज़ा मुनक़िद करना चाहते हैं, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बानियान मजालिस की जिम्मेदारी है, अवाम की जिम्मेदारी है, सबकी मुश्तरक जिम्मेदारी है कि इन नुकात को संजीदा लिया जाए और इन नुकात पे अमल दरामद के लिए संजीदा इकदाम किए जाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें, चाहे सिंध की हुकूमत हो, पंजाब की हुकूमत हो। नाज़रीन कराम, आपने गुफ्तगू सुनी अल्लामा मकसूद अली डोंकी साहब के नज़रियात सुने, और इसी तरीके से न्यूज़ पॉइंट में हम चंद मसाइल पे गुफ्तगू करते हैं। दूसरा जो अहम मसला इसी रवा हफ्ते हुआ है, वजारत ख़जाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने जो है एक 30 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया है कि हम ये 30 अरब रुपए उन स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए देंगे जो अपने मुलाजमीन को फारिग नहीं करेंगे और उन्हें तनख्वाहें भी देंगे। तनख्वाहें देने और फारिग मुलाजमत से बरतरफ न करने की सूरत में हम उन इंडस्ट्रीज़ को ये 30 अरब रुपए के छोटे कारोबार के लिए, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए हम ये पैसे मुख्तस करेंगे और हम उन्हें ये पैसे देंगे उस सूरत में देंगे कि वो अपने मुलाजमीन को फारिग न करें और उनको तनख्वाहें की मद में भी पैसे देते रहें, वो तब हम उन्हें ये कर्ज़े देंगे। और आगे चल के वो कहते हैं कि हम जो है आहिस्ता आहिस्ता हम तनख्वाहों की मद में भी उनके साथ मदद करेंगे और जो अपने मुलाजमीन को फारिग नहीं करेंगे। नाज़रीन कराम, लॉकडाउन ने पूरी दुनिया में जिस तरह तबाही मचाई हुई है, इसी तरीके से वतन अजीज़ में भी माशी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आपने देखा कि खुद हमारे वज़ीर आज़म साहब भी इस उसमें हैं कि लॉकडाउन में नरमी की जाए, और इसमें जो है इसकी सिंध बराबर मुखालफत कर रहा है। लेकिन कब तक हम देखते हैं कि हमारे लोग लाखों की तादाद में 60 से 70 लाख लोग जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि करोड़ों लोग जो है हमारे बेरोज़गार हो चुके हैं, होंगे नहीं, हो चुके हैं। वो लोग जो घरों में बैठ चुके हैं, उनके नान व नफके के मसाइल है। सफ़ेद पोश लोग जो अपने रोज़गार से बेरोज़गार होकर बैठ गए, उनके खाने पीने के मसाइल हैं, राशन के मसाइल हैं। लोग जो दिहाड़ीदार थे, वो लोग घरों में बैठे हुए हैं, उनके जो है ना कारोबार बंद हो चुके हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि अगर लॉकडाउन को इस तरीके से मेंटेन करे कि हम लॉकडाउन पे भी पाबंदी अमल करते रहें और लोगों के कारोबार और रोज़गार ज़िंदगी भी बंद न हो, या उस सिलसिले में हुकूमत बराबर तआवुन करें। एक और अहम मसला जिसके ऊपर अभी ये एक दो दिन से मसला चल रहा है, वो है कि मुल्क भर में तालीमी इदारे हुकूमत ने 31 मई तक बंद रखने का ऐलान किया था, जिसकी अपना तमाम सूबों ने पाबंदी की। 31 मई तक तमाम सूबे पाबंद हैं कि वो तालीमी इदारे नहीं खोलेंगे, लेकिन 3 सूबों ने 31 मई के बाद भी, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ने तालीमी इदारे, स्कूल्स वगैरह खोलने की मुखालफत कर दी है। उन्होंने कहा है कि इन इलाकों में कोरोना की शिद्दत है और इसके बायस हो सकता है कि बच्चों में तालीम या स्टूडेंट्स में कोरोना की वबा फैलने का ख़दशा है। बल्कि इसके बरक्स खैबर पख्तूनख्वा सूबे ने लॉकडाउन के 31 मई के बाद तालीमी इदारे खोलने की हिमायत कर दी है। आइए अब देखते हैं, अभी हालिया इमरान खान साहब ने भी
अपनी एक मीटिंग बुलाई है, हो सकता है शायद कल की वो मीटिंग हो। उन्होंने भी तमाम वज़रा को, वफाकी वज़रा को, MNAs को बुलाया है, अपने मुशीरों को, कि वो बैठ के लॉकडाउन के बारे में, क्योंकि 9 मई तक लॉकडाउन ख़त्म होने का इन्होंने कहा था, लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान ने 20 मई तक इसको इसका मुद्दत बढ़ा दी है। जब बलूचिस्तान में हम देखते हैं 20 मई तक मुद्दत बढ़ गई है, तो इसी तरीके से दर्जियों के मसाइल आ गए हैं। लोग क्योंकि ईद सर पे आ गई है, तकरीबन 24-25 को ईद होगी, तो दर्जी हजरात जो हैं वो किस तरह करेंगे, आया लॉकडाउन में नरमी होगी, आया दुकान वगैरह उनको खोलने की इजाज़त होगी, दर्जी हो गए या कपड़े की दुकान हो गई या दूसरे इस तरह की दुकानें वगैरह जहाँ से लोग ईद की ख़रीदारी कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि अब इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत, इस को बहुत बड़ा चैलेंज है लॉकडाउन की वजह से, वो क्या करते हैं इस सिलसिले में, उनकी क्या हिकमत अमली होती है। आया वो 31 मई के बाद सूबों को राज़ी कर लेते हैं तालीमी इदारे खोलने में, या वो तालीमी इदारे न खोलने में खोलने में नाकाम हो जाते हैं और सूबे उन पर सबकत ले जाते हैं। हमारे ख्यालात के मुताबिक कि अगर आप लॉकडाउन रखते हैं 31 मई के बाद, लेकिन आप वीडियो लिंक्स के ज़रिए तालीमी सिलसिले को जारी रखें, क्योंकि बच्चों की तालीम इस साल पीछे जा रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, उनके ज़्यान हो रहे हैं, उनकी तालीमी साल का नुकसान हो रहा है। तो ये थे हमारे आज के तज़िए जो हमने आपकी खिदमत में पेश किए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, इंशाल्लाह बेबाक और बेतरफ और अपने हमारे तज़िए होते हैं, हम किसी गैर जानबदार हमारे तज़िए हैं, इंशाल्लाह आप हमारे तज़ियों से मुस्तफ़ीद होते होंगे। कमेंट्स में अपने नज़रियात से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मज़ीद ख़बरों की और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान सोहेल अकबर शिराज़ी को। वस्सलामु अलैकुम।